हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपकी शॉर्ट वीडियो बिल्कुल भी वायरल नहीं हो रही है, उस पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहा है। आप जब अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते हैं तो उस पर 10 व्यू, 20 व्यू, 30 व्यू, 50 व्यू या लास्ट 100 व्यूज तक आते हैं, उसके बाद आपकी शॉर्ट वीडियो बिल्कुल भी नहीं चलती है, या फिर 0 व्यूज की आपको प्रॉब्लम है, या फिर आपकी वीडियो बिल्कुल भी वायरल नहीं हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपका भाई आपको यहाँ पर नई नई ट्रिक्स बताता रहेगा, आपकी शॉर्ट वीडियो को वायरल करवाता रहेगा। अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, पूरा प्रोसेस समझना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनकी हेल्प से आप अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल करा सकते हैं। अब चाहे उस पर 10 व्यूज आए हों, 20 व्यूज आए हों, 30 व्यू हों, या फिर 100 व्यूज हों, या फिर आपको 0 व्यूज की प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आप इन तीन ट्रिक्स में से किसी एक को भी यूज करते हैं तो आपकी वीडियो जरूर चलेगी। अगर आप तीनों ट्रिक्स का यूज करते हैं तो फिर तो 100% आपकी वीडियो को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, पूरा प्रोसेस समझना है, और लास्ट वाला जो प्रोसेस है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, आज की इस नॉलेज फुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों, जो तीन ट्रिक्स को मैं आपको बताने वाला हूं, उनमें से सबसे जो पहली ट्रिक है ना, वो तो आपको वीडियो अपलोड करने से पहले ही यूज करनी है। अब देखिए दोस्तों, वीडियो आपको अपलोड करते समय यहां पर क्या क्या मौके मिलते हैं, यानी कि दोस्तों आप वीडियो कहां कहां से अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहला तो दोस्तों यूट्यूब ऐप से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों यूट्यूब स्टूडियो ऐप से भी आप अपलोड कर सकते हैं, और दोस्तों तीसरा जो वीडियो अपलोडिंग का प्लेटफॉर्म आपको मिलता है वो है क्रोम। क्रोम के अंदर अगर आप अपने YT स्टूडियो को लॉग इन कर लेते हैं तो वहां से भी आप अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, यानी दोस्तों तीन जगह से आप अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप कहीं से वीडियो अपलोड कीजिए, उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप यूट्यूब ऐप से वीडियो को अपलोड करते हैं तो सबसे पहला ट्रिक यहीं पर काम करता है। अब वो ट्रिक क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो देखिए, यहां पर दोस्तों आपको एक प्लस वाला आइकन मिलता है। यूट्यूब ऐप से आप जब कभी वीडियो अपलोड करेंगे तो प्लस वाले आइकन पर आप क्लिक करते हैं, और इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, कैमरा ओपन हो जाता है। अब दोस्तों देखिए, यहां पर नीचे आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, नीचे आप नजर डालेंगे तो नीचे आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, वीडियो का, शॉर्ट का, लाइव का और पोस्ट का। तो आप में से बहुत से लोग क्या करते हैं कि वीडियो वाला जो ऑप्शन होता है यहां पर, इस वीडियो वाले ऑप्शन पर पहले से ये ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है, तो वहीं से अपनी शॉर्ट वीडियो को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद अपलोड कर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको यहां पर ये शॉर्ट वाला जो सेक्शन दिया गया है, जो वीडियो के साइड में शॉर्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है, आपको इसी को यहां पर सिलेक्ट करना है शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते समय। अगर आप लॉन्ग वीडियो कर रहे हैं तो वीडियो को सिलेक्ट कीजिए, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट को सिलेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं, आपको वीडियो वाला ही ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहला ट्रिक आपको यही इस्तेमाल करना है कि जब कभी भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आप अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते समय शॉर्ट वाले ऑप्शन को ही चूज करेंगे, उसके बाद अपनी शॉर्ट वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला ट्रिक हो गया दोस्तों यही कि आपको शॉर्ट वाला सेक्शन है, जो शॉर्ट वाला ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करना है शॉर्ट अपलोड करते समय। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरी ट्रिक की ओर कि आखिरकार हमारा दूसरा ट्रिक कौन सा है। अब दोस्तों दूसरी ट्रिक को जानने से पहले मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखा देता हूं कि मैंने उस तरीके से अपनी शॉर्ट वीडियो पर कितने व्यूज यहां पर इंक्रीज किए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने YT स्टूडियो में चलते हैं। YT स्टूडियो में जाने के बाद आप देख सकते, ये मेरा एक चैनल है जिस पर मैं थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं। तो यहां पर 41,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। लास्ट यहां पर हमने वीडियो अपलोड की है, वो 16,000 व्यूज हमको देकर गई है। अब दोस्तों इस पर आधे व्यूज थे, तकरीबन 8,000-9,000 व्यूज थे इस वीडियो पर, लेकिन मैंने कुछ यहां पर एक ट्रिक लगाया, उस ट्रिक की वजह से मेरे इस वीडियो पर और भी ज्यादा व्यूज आने लग गए। कैसे आने लग गए वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर हम इसके एनालिटिक्स में चलते हैं। एनालिटिक्स में जाने के बाद इसके ग्राफ को हम ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने वीडियो को अपलोड किया था ना, तो इस पर 8,500 व्यूज तकरीबन यहां पर आ चुके थे, लेकिन ये वीडियो यहां पर फिर धीरे-धीरे चलने लगा था। आप देख सकते हैं यहां पर मैं देखूं तो यहां पर 8,000 के तकरीबन व्यूज आए थे, 8,616 व्यूज, लेकिन उसके बाद यहां पर ये वीडियो थोड़ा सा स्लो चल गया। तो मैंने यहां पर एक पॉइंट पर आकर, मैं आपको यहां पर मार्क करके दिखाता हूं कि इस पॉइंट पर आकर एक ट्रिक लगाया था, उसके बाद दोस्तों यहां पर ये फिर वीडियो चालू हो गया। लेकिन दोस्तों अब यहां पर मैंने इस ट्रिक को यूज नहीं किया है। अगर मैं वापस से इस ट्रिक को यूज करूंगा ना, तो गारंटी से
पांच से 10,000 व्यूज मुझको अगेन मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने ट्रिक का क्या इस्तेमाल किया था, कौन सी ट्रिक का यूज किया था। तो यहां से मैं बैक आता हूं। बैक आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि मान लीजिए आपकी कोई वीडियो है यहां पर, उस वीडियो पर व्यूज नहीं आया है या जीरो व्यूज प्रॉब्लम है या फिर 10-15 व्यूज प्रॉब्लम है, यानी कि 100-150 व्यूज तक आया है उसके बाद आपका वीडियो रुक गया है। तो आपको करना क्या है कि वीडियो पर क्लिक करना है, आपको मिलेगा यहां पर एक पेंसिल वाला आइकन, इस पेंसिल वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, देखिए यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है विजिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पर मिलेंगे तीन ऑप्शन, पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइवेट। तो आपको करना क्या है कि आपको कर देना है अनलिस्टेड पर क्लिक। अनलिस्टेड पर क्लिक करने के बाद आपको यहां से बैक आना है, बैक आने के बाद आपको कर देना है इसको सेव। तो अब दोस्तों इससे क्या होगा मैं आपको वो भी बताता हूं, किस तरीके से आपकी वीडियो पर व्यूज बढ़ेंगे वो भी बताता हूं। देखिए दोस्तों अब मैंने इस वीडियो को अनलिस्टेड कर दिया है, यानी कि दोस्तों अब इस वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है। तो अब इसको अनलिस्टेड करने से किस तरीके से व्यूज बढ़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों अब इस वीडियो पर व्यूज रुक चुका है, मान लीजिए इस वीडियो पर 16,000 व्यूज आया है, अब इस वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है। तो अब हमने इस वीडियो को कर दिया अनलिस्टेड, यानी कि दोस्तों अब ये व्यूज में काउंट सॉरी दोस्तों यानी कि पब्लिक नहीं है, किसी को भी दिखाई नहीं देगी। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि तकरीबन इसको 2 से 3 घंटे या 5 घंटे तक आपको अनलिस्टेड में रखना है, उसके बाद आपको इसको पब्लिक करना है। जैसे कि आप अपनी वीडियो की टाइमिंग रखते हैं, जैसे शाम के 6 बजे आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं, तो तकरीबन आपको 1 या 2 बजे अपनी वीडियो को अनलिस्टेड करना है, उसके बाद 6 बजे जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उसी टाइम पर आपको अपनी वीडियो को पब्लिक कर देना है जो वीडियो आपने अनलिस्टेड की है। इससे क्या होगा दोस्तों आपकी वीडियो एकदम बूस्ट हो जाएगी, कि व्यूअर्स को लगेगा कि ये दोबारा वीडियो अपलोड की गई है, तो उसकी जो ऑडियंस रिटेंशन होगी ना वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगी, उसके बाद आपको अच्छे खासे व्यूज मिलेंगे। तो दोस्तों आपका दूसरा जो ट्रिक है वो यही है कि आपको वीडियो जो रुक गया है उस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं या जीरो व्यूज प्रॉब्लम है, तो आपको अपनी वीडियो को अनलिस्टेड करना है। और जब आप अपनी वीडियो के टाइम को अपलोड करते हैं, यानी कि दोस्तों जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो उसी समय पर आपको इसको पब्लिक कर देना है, तब ये ट्रिक काम करेगी। अब दोस्तों जो तीसरी ट्रिक है वो कौन सी है, देखिए दोस्तों तीसरी जो ट्रिक है वो बहुत ही इजी ट्रिक है, इससे आपको व्यूज मिलेगा। और वो जो ट्रिक है वो वीडियो अपलोड करते समय आपको इस्तेमाल करनी है। कौन सी है, अब जब कभी भी आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करता हूं, जब कभी भी आप वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहां पर आपको टाइटल डालना पड़ता है, दूसरी चीज आपको ऑडियंस यहां पर नो को सिलेक्ट करना पड़ता है, अल्टर्ड कॉन्टेंट आपको नो को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों अब तीसरी ट्रिक कौन सी है, तीसरी ट्रिक ये है दोस्तों, जब कभी भी आप अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे ना तो आपको हमेशा अनलिस्टेड में अपलोड करना है, उसके बाद ही पब्लिक करना है। यानी कि दोस्तों आपने वीडियो अपलोड किया उसके बाद आपको यहां पर करना क्या है, देखिए जैसे पूरा प्रोसेस हो जाता है, टाइटल वगैरह डालते हैं आप, टाइटल डालने के बाद आपको अपनी विजिबिलिटी हमेशा अनलिस्टेड में सिलेक्ट करनी है, उसके बाद ही वीडियो को अपलोड करना है। उसके बाद आप जब कभी भी वीडियो को पब्लिक करना चाहते हैं कर सकते हैं, तब आपकी वीडियो पर व्यूज अच्छे खासे आते हैं। यानी कि दोस्तों आप तीनों ट्रिक को आप समझ लीजिए, जब कभी भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको शॉर्ट वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर वीडियोस में जाकर, जब कभी भी आप अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपको ये शॉर्ट वाला जो सेक्शन है उसको सिलेक्ट करना है। दूसरा ट्रिक दोस्तों आप जान चुके हैं कि आपकी वीडियो पर व्यूज रुक गया है तो आपको अनलिस्टेड करके उसको दोबारा से पब्लिक करना है, 4-5 घंटे का यहां पर आपको डिफरेंस रखना है। यानी कि दोस्तों 1 बजे आपने वीडियो को अनलिस्टेड किया, उसके बाद आपको 6 बजे वीडियो को पब्लिक कर देना है, तो आपकी ये भी ट्रिक काम करेगी। तीसरा ट्रिक दोस्तों वीडियो अपलोडिंग करते समय आपको अपनी विजिबिलिटी हमेशा अनलिस्टेड में रखनी है, उसके बाद ही आपको पब्लिक करना है वीडियो। तो तीसरा ट्रिक ये हो गया, ये भी आपका 100% वर्क करेगा। तो दोस्तों तीनों ट्रिक को मैं आपको बता चुका हूं, आपको यहां पर इन तीनों ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपको बताना है कि आपकी ये ट्रिक्स हैं जो काम कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी किसी एक वीडियो पर या 2 वीडियो पर ये ट्रिक काम नहीं करती है तो हो सकता है मैं आपके लिए और भी ट्रिक्स बता दूं, आपको मुझे ये कमेंट्स में जरूर बताना है। तो दोस्तों यही वो ट्रिक है जिनका यूज करके आप अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल करा सकते हैं। तो दोस्तों आपको इनमें से सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और क्या आप इन ट्रिक्स का यूज करने वाले हैं आपको ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताना है। और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज की इस नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली ही वीडियो में आपके लिए कुछ नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।